हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने एमपी जीके की मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं, 500 एमसीक्यूज की सीरीज में चल रही है। तो मैंने आपको पार्ट 21 कवर करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट होने वाला है पार्ट 22, है ना। पार्ट नंबर आपका 22 होने वाला है और शानदार क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये आपका चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है, हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर। डेली क्लासेस आने वाली होती है, उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट नोट्स आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से आपको चैनल सर्च करना है और हमारा चैनल आ जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैंने 100 क्वेश्चंस की MCQs करवाए थे, सीरीज करवाई थी, वो आपको कंप्लीट PDF यही मिलेगी। उसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, और जो आपकी अब चल रही है 500 क्वेश्चंस की सीरीज, ये कंप्लीट PDF आपको हमारे कहाँ पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ज़रूर से इसको इंस्टॉल करना। और यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही आप SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट PDF, सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगा। कितने? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। कहाँ पर? आपको हमारे सिर्फ ऐप पर, है ना। कहाँ पर? हमारे ऐप पर, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, है ना। तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलना। ये है हमारी जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ईबुक। तो इसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज बायोलॉजी, और इसमें कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा आपका। फ्री MCQs इसमें मिलेंगे आपके, या कितने में? सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप पर। ठीक है, तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको कहाँ करवा दिए हैं, मैंने आपको पिछले का पार्ट्स में जो है कवर करवा दिए हैं। पार्ट 21 तक हमारे वो पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर जरूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें मैंने आपको करवाया है। कोई भी ये मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है कि जबरदस्ती वैसी क्वेश्चन हो, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जी हाँ, सारे आपके कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग इन विच ईयर वॉस भोपाल डिस्ट्रिक्ट कार्वेट आउट ऑफ सीहोर? सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? भोपाल पहले आपका जिला नहीं हुआ करता था, जिला वो बाद में बना है। पहले क्या बना है? पहले आपकी क्या बनी है? मध्य प्रदेश की राजधानी बनी है। क्या बनी है? मध्य प्रदेश की राजधानी बनी है। बाद में क्या बना है? वो जिला बना है, है ना। ये पहले क्या हुआ करती थी? सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी, छोटी सी तहसील हुआ करती थी, है ना। और जब राज्य का गठन भी नहीं हुआ था तब भोपाल कायम में शामिल था। तब भोपाल किस में शामिल था? आपके पार्ट सी में शामिल था, है ना। किस में शामिल था? पार्ट सी में, आपके विंध्य प्रदेश में, आपके विंध्य प्रदेश में शामिल था। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी, है ना। इसका पूरा नाम रेवा है, रीवा का। तो ये हुआ करता था आपका भोपाल पहले पार्ट सी में, फिर उसके बाद गठन हुआ तो आ गया आपके, बन गया राजधानी 1 नवंबर 1956 को।
ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद आपका क्या बना, ये जिला बना, सीहोर से अलग होकर जिला बना। ये कब बना बताइए, 1973, 1974, 1971, 1972, कब बना था जी, 1972 में ये आपका क्या बना, एक नया जिला बना, सीहोर से अलग होकर बना, है ना, सीहोर से अलग होकर आपका एक नया जिला बना। ठीक है, फिर इसके बाद जोड़ते गए थे आपके नए नए जिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एशिया थिकेस्ट कोल सीम लोकेटेड। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिले में एशिया की का सबसे घनी कोयला परत स्थित है, क्या सबसे घनी कोयला परत स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सीधी, शहडोल, उमरिया या फिर आपका सतना, कहाँ पे है आपका स्थित, ये सीधी में है। और सीधी किससे अलग होकर, सीधी से अलग होकर क्या बना था, सिंगरौली बना था, ये आपका सिंगरौली बना, ये था आपका 50वां जिला, 50वां जिला था आपका ये। और सिंगरौली को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी जो है इसको बोला जाता है ना। तो एशिया का सबसे घनी कोयला परत जो है कहाँ लिख ली थी, आप परत कहाँ पर स्थित है, आपके सीधी में स्थित है। ठीक है, सीधी से अलग होकर आपका 50वां जिला बना था, सिंगरौली बना था, और सिंगरौली को ही क्या बोला जाता है, ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, वेयर वाज द 2 डेज साउथ एशियन स्पीकर समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ था, 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं का सम्मेलन कहाँ पर स्थित था, आपके मध्य प्रदेश में था, तो बताइए कहाँ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर उज्जैन, कहाँ पर था बताइए, तो कहाँ था ये आपके, इंदौर में आयोजन हुआ था इसका, 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्लेट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन सा जिला, कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है, क्या लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा होगा आपका बताइए, बैतूल, बैतूल या ग्वालियर या रीवा या फिर बालाघाट, कौन सा होगा आपका, बालाघाट होगा। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादक जिला आपका बालाघाट होगा, है ना, बालाघाट को क्या बोला जाता है, बालाघाट को क्या बोला जाता है, तांबा व मैग्नीज नगरी, तांबा व मैग्नीज नगरी इसको क्या बोला जाता है, तांबा व मैग्नीज नगरी किसको बोला जाता है, बालाघाट को बोला जाता है। ठीक है, और बालाघाट जो है किस नदी के किनारे है, बालाघाट पेनगंगा नदी के, है ना, पेनगंगा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। और आपके मध्य प्रदेश की पहली नहर का नाम क्या है, बेनगंगा नहर, है ना, पहली नहर आपके मध्य प्रदेश की, पहली नहर आपकी कौन सी है, बेनगंगा नहर, है ना। और आपका जो बालाघाट है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सर्वाधिक वन यहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं यहाँ, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, बालाघाट में, बालाघाट में पाए जाते हैं।
और सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई जो होती है, तालाबों से सिंचाई वो आपके बालाघाट में होती है। सर्वाधिक सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई है ना। और एक बात बताएं, एक और, कि आपके ही आपके पहला मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद जीआई टैग, पहला आपके मध्य प्रदेश का पहला पहला कृषि उत्पाद जीआई टैग किसको लगा है? आपके इसी बालाघाट के चिन्नौर चावल को। किसको लगा है? बालाघाट के चिन्नौर चावल, है ना, चिन्नौर चावल, जो कि आपका कहाँ का है? आपके बालाघाट का है ना। और बालाघाट के ही मलाजखंड में आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करता है। क्या करता है? आपका HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, क्या? हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करता है? तांबे का उत्खनन करता है आपके मलाजखंड में, है ना। तो बालाघाट को क्या बोलते हैं हम? तांबा व मैंगनीज नगरी इसे बोला जाता है ना। बेनगंगा नदी के किनारे है, पहली नहर बेनगंगा नहर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका जिला बालाघाट है, सर्वाधिक वन आपके बालाघाट में पाए जाते हैं, है ना, सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई यहाँ पर होती है, और मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद जीआई टैग भी किसको लगा हुआ है? आपके बालाघाट के चिन्नौर चावल को लगा हुआ है ना। पहला कृषि उत्पाद जीआई टैग है वो। और यहाँ पर HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में इसके द्वारा क्या किया जाता है? तांबे का उत्खनन करती है ये, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली साइट कैर्निवर इन मध्य प्रदेश नेशनल पार्क? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? आपके शिवपुरी में है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, और जो मांसाहारी और सबसे ज्यादा यही देखा गया है, क्या देखा गया है? कौन सा मांसाहारी जीव है बताइए? बाघ, तेंदुआ, भेड़िया या फिर शेर? बाघ, तेंदुआ, भेड़िया या फिर शेर कौन सा होगा आपका? सबसे ज्यादा आपको यहाँ आओगे तो आपको तेंदुआ सबसे ज्यादा मिलेगा देखने को, क्या रोड पे चलते ही मिल जाएगा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिल जाएगा, बाहर घूमते भी आपको मिल जाएगा, जंगलों में बाहर निकल जाता है ये, तो तेंदुआ सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर मिलने को देखने को मिल जाएगा? शिवपुरी में, है ना, ऐसे फिरते रहते हैं यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत क्लैन हैड रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश? निम्न राजपूत वंशों में किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया है? किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया है बताइए? वो कौन सा वंश है? चालुक्य वंश, पाला वंश, सूर्य वंश या रक्त वंश? तो किसने किया है? सभी जानते हैं चालुक्य वंश ने क्या किया है? मध्य प्रदेश पर आपके शासन किया है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज और आर फेमस इन मध्य प्रदेश? किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है? आपका हैंडीक्राफ्ट, किस प्रकार का हैंडीक्राफ्ट जो है आपके एमपी में क्या है, विख्यात है बताइए? कांच का उद्योग, ग्लास वर्क या फिर टेराकोटा, मिट्टी के सामान जिससे बनाए जाते हैं टेराकोटा, पोइसरी में इस तरह का वर्ड सुनने को मिला होगा, तो टेराकोटा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मध्य प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट में ग्लास वर्क भी आपको देखने को मिलेगा और आपको टेराकोटा का वर्क भी देखने को मिल जाएगा, तो यानी आंसर क्या होगा आपका? वॉट ऑफ द अब क्या? आपका दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं? हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है।
चलिए आगे पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज रिनेम्ड एज प्रतिभा विकास प्रोग्राम, किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है, किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया है, प्रतिभा विकास योजना किस योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है बताइए। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, या फिर आपका लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर दक्षता संवर्धन प्रोग्राम, या फिर कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूशन प्रोग्राम, कौन सा होगा आपका? होगा दक्षता संवर्धन प्रोग्राम। क्या होगा? दक्षता संवर्धन प्रोग्राम, ठीक है। इसका किसका नाम बदलकर रख दिया गया है? आपका प्रतिभा विकास योजना का नाम बदलकर दक्षता संवर्धन प्रोग्राम रख दिया गया है, ना दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नाम बदलकर रख दिया गया है प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइब्यूटरी ऑफ द चंबल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है? जामिनी, कूनो, हलाली, या फिर केन। तो इनमें से चंबल की कौन सी नदी है सहायक नदी? आपकी कूनो नदी है ना। कूनो क्या है आपकी? कूनो नदी जो है आपके चंबल की सहायक नदी है ना, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल जो है आप सभी जानते हैं चंबल का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जाना पाव पहाड़ियों से जो निकलती है आपके महू, आपके इंदौर शहर से है ना, इंदौर शहर से। कहाँ जाके इसका समापन हो जाता है, मुहाना कहाँ पर हो जाता है आपके? मुहाना कहाँ जाकर हो जाता है? आपके यूपी यानी कि आपके उत्तर प्रदेश के इटावा में, इटावा में यमुना नदी में, यमुना में जाकर, यमुना में जाकर क्या क्या हो जाता है इसका समापन हो जाता है ना। और जो कूनो नदी है, कूनो नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। और जो कूनो नदी है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये निकलती है आपके शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी के पठार से ये निकलती है, ठीक है। शिवपुरी के पठार से आपकी कूनो नदी जो है निकलती है, और कूनो नदी इसी के नाम पर आपका कूनो अभयारण्य भी, राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कूनो अभयारण्य जो कि आपका 12वां राष्ट्रीय उद्यान है आपका कूनो, है ना। कूनो अभयारण्य जो कि इसका नाम कैसे किससे रखा गया है? इसी नदी से, कूनो नदी के द्वारा ही उसका क्या किया गया है, नाम रखा गया है, ठीक है। और चंबल नदी है, चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, उत्तरी ओर प्रवाहित होती है ये, ठीक है। उत्तरी ओर जो है प्रवाहित होती है ना, ऐसे तो यहाँ से उत्तरी ओर जो है ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसकी चंबल की एक नदी है कौन सी? सहायक नदी छिपरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोलते हैं, मालवा की गंगा इसको जो है बोला जाता है। किसको? छिपरा नदी को, है ना। छिपरा नदी को क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल की, चंबल का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो किसको बनाया गया है? डॉल्फिन को, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसका? चंबल का, ठीक है। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो, किसे बनाया गया है? आपकी डॉल्फिन मछली को बनाया गया है, ठीक है। और मालवा की गंगा किसे बोला जाता है? छिप्रा को बोला जाता है, छिप्रा नदी को, है ना। और चंबल किस ओर प्रवाहित होती है? उत्तरी ओर, है ना। कूनो
कूनो नदी कहाँ से निकलती है? आपके शिवपुरी के पठार से, उसी के किनारे क्या बसा हुआ है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है बसा हुआ है इसी के किनारे पर, और इसी के नाम से रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ना, कूनो नदी के द्वारा है ना। और आपकी कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है, और जो चंबल है वो जानापाव पहाड़ियों से निकलता है, और जानापाव पहाड़ियों से नदी निकलती है आपके महू इंदौर से है ना, कहाँ पर मिल जाती है? यूपी के इटावा में यमुना नदी में जाकर इसका मुहाना हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नोटेड पेंटर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? कौन प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकार कौन है बताइए? असगरी वाई, या फिर हबीब तनवीर, या फिर सत्यदेव दुबे, या फिर मकबूल फिदा हुसैन। तो आपके मध्य प्रदेश के जो फेमस पेंटर हैं वो कौन है? मकबूल फिदा हुसैन, मकलूब फिदा हुसैन है। ठीक है, मकलूब फिदा हुसैन है, नाम मुश्किल है पर याद रखिए, बोलेंगे तो सिंपल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्टेबलाइज द मध्य माधव म्यूजिक कॉलेज? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी? किसकी? माधव संगीत कॉलेज की स्थापना इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, कहाँ पर की थी? आपके ग्वालियर में की थी। था माधव राय सिंधिया, आप जानते ही होंगे, तो इनका नाम आपको पता होगा। और जहाँ माधव यानी कि माधव आ जाए तो माधव राय सिंधिया, तो ये सिंधिया तो आपको पता ही है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंधिया कहाँ से संबंधित है? आपके ग्वालियर से है। होलकर कहाँ से संबंधित थे? आपके इंदौर से है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। चलिए संचा इज आ ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक इन द रीजन ऑफ संझा, किस क्षेत्र? संझा जो है, संझा संझा किस क्षेत्र की में पारंपरिक लोक संगीत है? बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़, या फिर मालवा? तो कहाँ का है ये? आपके मालवा का क्या है ये? पारंपरिक लोक संगीत है, पितृ पक्ष की श्याम को ये होता है, पितृ पक्ष के शाम को महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है। महिलाओं द्वारा और पितृपक्ष की श्याम को ये होता है आपका मालवा, मालवा में होता है संझा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द अंडमान स्कीम, द आनंदम, सॉरी आनंदम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट टू हेल्प द, राज्य द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है? क्या की गई है? आनंदम योजना की शुरुआत की गई है, तो ये किसकी भलाई के लिए की गई है, किसकी सहायता के लिए बताइए? आपके उद्यमियों के लिए यानी कि आपके एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर आपके एथलीट के लिए, विकलांग के लिए, या फिर आपके गरीब के लिए? तो यहाँ गरीब लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखिए किसके लिए की गई है आनंदम योजना की शुरुआत? गरीबों के लिए की गई है, गरीबों की सहायता के लिए। ठीक है, चलिए
चलिए, द बाग रिवर विद द हाई कंटेंट इम्पार्ट्स इज अ रिचनेस एंड ब्राइटनेस टू द कलर डाइवर्ट आउट ऑफ वेजिटेबल एंड नेचुरल नेचुरल डेज विच इज द यूज्ड इन द ट्रेडिशनल बाग प्रिंट। बाग नदी के उच्च प्रति के खाली स्थान से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति जीवन ने और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है, जो कि परंपरागत तरीके से बाग प्रिंट में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? लोहा, गंधक, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपका कॉपर, यानी कि आपका तांबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द ग्रैंड पशुपति नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ। भव्य पशुपति नाथ मंदिर किस शहर में स्थापित है? क्या भव्य पशुपति नाथ मंदिर, पशुपति नाथ को तो आप जानते ही होंगे, तो किस शहर में स्थित है? खजुराहो, ग्वालियर, रीवा या फिर मंदसौर। कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है आपका पशुपति मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर? आपके मंदसौर में है। कहाँ पर है? आपके मंदसौर जिले में है ना, मंदसौर जिले में स्थित है ना। और ये आपके, ये पशुपतिनाथ का मंदिर आपके संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके, इसके क्या है, आठ मुख है, आठ मुख मंदिर, आठ मुख मंदिर है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आपके एक आपके आठ मुख मंदिर कौन सा है आपका, कहाँ पर है? तो मंदसौर में है, पशुपति नाथ का मंदिर है। क्या है? मंदसौर में है और पशुपति नाथ का मंदिर है। और जो आपका मंदसौर है, मंदसौर किस नदी के किनारे पर है? आपकी शिवना नदी के किनारे है ना, शिवना नदी के किनारे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए। द जल महोत्सव टेक्स प्लेस एट, द जल महोत्सव टेक्स प्लेस एट, जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बताइए, हनुवंतिया टापू, भोपाल में या फिर आपकी ग्वालियर में या फिर मड़ई में? कहाँ मनाया जाता है आपका? हनुवंतिया में है ना, हनुवंतिया, हनुवंतिया टापू है ना, हनुवंतिया टापू पर क्या मनाया गया आपका 2021 में? क्या बनाया गया? जल महोत्सव बनाया गया है ना, जल महोत्सव बनाया गया, जल महोत्सव जो है आपका बनाया गया 2021 में बनाया गया। कहाँ पर है आपका जी हनुवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू कहाँ पर है आपके? खंडवा में है ना, खंडवा में है ना, खंडवा में है। और मध्य प्रदेश का गोवा किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश का गोवा किसे बोला जाता है आपके? हनुवंतिया, हनुवंतिया टापू को बोला जाता है ना। क्वेश्चन आपसे आ जाए एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का गोवा किसे कहा जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि इसको इसको क्या कहा जाता है ना, इसको इसका क्या कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश का गोवा किसको कहा जाता है? हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। कहाँ पर है बात की जाए तो खंडवा में है ना, खंडवा में आपका है हनुवा, जल महोत्सव बनाया गया है यहाँ पर 2021 में हनुमंतिया टापू पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल रूल वीकनेड इन मध्य प्रदेश सिंस द डेथ ऑफ
किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में जो है आपका मुगल शासन कमजोर हो गया? जहांगीर की मृत्यु के बाद, या औरंगजेब की, या अकबर की, या फिर आपके शाहजहां की? तो आपका जो मुगल शासन कमजोर हुआ कब हुआ? जब किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन कमजोर हो गया। ठीक है, चलिए। द केन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैड गॉट द सिग्नल फ्रॉम द ग्रीन पैनल एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। कैन और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं का को ग्रीन पैनल। चंबल, बेतवा, नर्मदा या तवा? तो इसका आंसर आपका होगा चंबल। ठीक है, चंबल कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से जो है ये निकलती है ना, इंदौर से, महू से। और महू में किसका जन्म हुआ है? महू में आपके भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। मिलती कहाँ पर जाके है ये? इटावा, यानी कि यूपी के इटावा के पास, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यूपी के इटावा में, यमुना में जाकर मिल जाती है ये। ठीक है, और इस चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? आपकी डॉल्फिन को बनाया गया है। ठीक है, बता ही चुकी हूं मैं। चलिए अगला क्या है। प्रेजेंटली हु इज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? किसके वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? यशवंत राव होलकर, मुश्ताक अली, अनुराग ठाकुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया? कौन है आपके क्रिकेट संघ के अध्यक्ष? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो कि आपके 2017 से ही क्या है, आपके क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। और क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है, इसका क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके इंदौर में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? इंदौर में है। और खेल राजधानी और आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? इंदौर को क्या कहा जाता है? खेल व आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। खेल राजधानी किसको बोला जाता है? आपके इंदौर को बोला जाता है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका। हाउ मैनी ज्योतिर्लिंग्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? आपके मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? एक, तीन, या फिर चार, या फिर दो? तो सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है कि अपने मध्य प्रदेश में जो है कितने ज्योतिर्लिंग है। आपके मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है। पहला आपका उज्जैन में है, जिसे हम महाकालेश्वर नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा खंडवा में है ना, जो कि हम किसके नाम से जानते हैं? ओमकारेश्वर। ठीक है, दो आपकी हैं। और जो उज्जैन में है आपका, किसकी नदी के किनारे है? छिप्रा के किनारे आपका ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर है। नर्मदा के किनारे है आपका ओमकारेश्वर है। और आपका जो उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर है। ये आपका
एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। क्या है? एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, इसके अलावा कोई भी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग नहीं है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है ना, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग क्वेश्चन आपसे किया जाए, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग आपका कौन सा है? तो क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आपका? उज्जैन में है महाकालेश्वर, ठीक है। और इसी इसी आपके छिप्रा नदी के किनारे पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद, प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या लगता है? कुंभ का मेला लगाया जाता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला है ना, क्या बोलते हैं? सिंहस्थ कुंभ मेला लगाया जाता है। बहुत बड़ा ये मेला लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये लगता है, छिप्रा नदी के किनारे लगता है ना। और तो छिप्रा नदी में जो है पानी कम पड़ गया था, तो नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना चलाई गई थी, आपको पता होगा ये बातें, मैंने बता दिया है, बता रखी है ना, नर्मदा छिप्रा लिंक जोड़ो परियोजना चली थी। क्यों? छिप्रा में जो है पानी कम पड़ गया था, है ना, पानी कम पड़ गया, तो नर्मदा नदी के द्वारा क्या किया गया? पानी उसमें डाला गया था। इसी को क्या बोलते हैं? नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, है ना, तो इसी को बोलते हैं हम वहां, क्योंकि पानी की वहां जरूरत है। क्यों? अब यहाँ पर मेला वो लगता है कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला, अब यहाँ से करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए तो जल चाहिए, पानी चाहिए, तो बस इसीलिए क्या हुआ, ये आपकी परियोजना चलाई गई थी, ठीक है। तो याद होगा आपके मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, पहला ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर उज्जैन और खंडवा में है। एक है छिप्रा नदी के किनारे, एक है नर्मदा नदी के किनारे। एकमात्र दक्षिण मुखी आपका, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है आपका? उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में है महाकालेश्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द फेमस प्लीग्रीमेज साइट ऑफ चित्रकूट लोकेटेड? मध्य प्रदेश की का तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है? क्या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट? चित्रकूट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, है ना, छतरपुर में, पन्ना में, या फिर पन्ना, सतना या रीवा में। कहाँ है आपका चित्रकूट? आपके सतना जिले में आता है। कहाँ आता है आपका? सतना जिले में। और सतना जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे जो है आपका सतना बसा हुआ है ना। और सतना, सतना में आपका क्या है? सतना आपका क्या है? गेरू उत्पादन, गेरू उत्पादन, गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है ना, प्रथम स्थान। गेरू और आपका चूना है ना, गेरू और चूना उत्पादन में क्या है, ये अग्रणी स्थान रखता है आपका सतना। और सतना में आप जानते होंगे मैहर को, सतनई में क्या है आपका? मैहर है ना, मैहर है, जिसमें शारदा माता का मंदिर भी है। शारदा माता का क्या है? शारदा माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है ये शारदा माता का, जो कि आपका मैहर में है, मैहर आपके सतना जिले में है, ठीक है। और इसको मैहर प्रस्तावित है 2020 से नया जिला बनने के लिए, सतना से अलग होकर आपका मैहर जिला बना जाना है, जब बनेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो शारदा माता मंदिर आपके कहाँ है? मैहर में है। और मैहर को ही क्या बोलते हैं? संगीत राजधानी बोला जाता है, संगीत राजधानी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मैहर को बोला जाता है, ठीक है। और आपका जो तुलसीदास है, आप जानते होंगे तुलसीदास, तो तुलसीदास की जो चित्रकूट है वो क्या रहा है? कर्मस्थली रही है। चित्रकूट जो है, चित्रकूट क्या रही है? कर्मस्थली रही है तुलसीदास की, कर्मस्थली। और चित्रकूट में ही क्या है? चित्रकूट में क्या है? तुलसीदास संग्रहालय, तुलसीदास संग्रहालय, तुलसीदास संग्रहालय,
संग्रहालय जो है स्थित है आपके चित्रकूट में। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि तुलसीदास संग्रहालय कहाँ पर है, क्वेश्चन बने तुलसीदास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो चित्रकूट में है। तुलसीदास की कर्मस्थली कहाँ रही है आपके मध्य प्रदेश में, तो चित्रकूट में रही है। और संगीत राजधानी आपसे अगर पूछी जाए तो मैहर है। चूना और केरू में अग्रणी स्थान किसका है, तो सतना का है। सतना किस नदी के किनारे है, आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है, आपका चित्रकूट है ना। तो इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पास्ट में पार्ट में करवाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम डज द मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम प्ले द मेजोरिटी ऑफ देयर होम गेम्स इन रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है, बताइए कौन से स्टेडियम में खेलती है। नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, या फिर सेंट्रल जिमखाना ग्राउंड। तो कहाँ पर खेलती है ये आपकी, अधिकतर होलकर स्टेडियम जो कि आपका इंदौर में है, मैं बता ही चुकी हूँ अभी जस्ट, ठीक है। इंदौर में है, उसकी पीडीएफ जो है कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर डल जाएगी इस क्लास के बाद ही, तो जुड़ना ना भूलिएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि आपको क्लास देखते हो तो साथ ही रिवीजन करना, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, तो टेलीग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। कंप्लीट 500 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के सहित चाहिए, तो ऐप इंस्टॉल कर लेना। उसमें ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आपको कंप्लीट क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी 500 क्वेश्चंस की, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट कीजिएगा आप, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।